जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरी मशीन है और अभी इस पर टेम्परेचर चल रहा है 35.5। दो बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, दो बल्ब नीचे लगे हुए हैं। नीचे पानी रखा हुआ है, एक ये फैन पड़ा हुआ है, एक ये फैन है ऊपर, वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा करने के लिए है। और ये सारी इसकी ना एयर रेगुलेट करता है। ये अंडे पड़े हुए हैं, इन पर डेट लिखी हुई है, ये हॉस्टल और के अंडे हैं। 13-1 को रखे थे ये, टोटल 13 अंडे हॉस्टल और के यहाँ पे हैं। कुछ अंडे इसके अंदर, 4 अंडे ये मिस्त्री गोल्डन के पड़े हुए हैं, कुछ अंडे ये बटेर के रखे हुए हैं। ये अभी इस टाइम खिलाने आया हूँ मैं। ये टेम्परेचर कंट्रोलर, यानी कि ये तो सादा रखा हुआ ना, इसकी 24% इस टाइम अंदर ह्यूमिडिटी है और 37 जो है वो इसका टेम्परेचर है। ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना ये बाहर वाला एक्यूरेट है। वो इस कंट्रोलर जो लगा है वो W1209 है। ये 50 अंडे हैं, ये बेंटम के हैं। बेंटम गोल्डन है, बेंटम वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, स्प्लैश में पड़े हुए हैं कुछ अंडे। और इसके अंदर फिर कोको बेंटम भी है, मोल्टेड बेंटम भी है। ये 6-7 बेंटम के ना, ये 50 एग्स हैं। ये मैंने परचेज़ किए थे लाहौर जा कर ना, 3-4 दिन है, यानी कि 3-4 जगह से। और ये बेंटम का जितना अंडा रहा ये 15 को रखे थे, यानी कि ऊपर वाले 13 को रखे थे, ये वाले सारे जो हैं ये 15 डेट को रखे थे, 15 जनवरी को। 50 अंडे इनको बस इस तरह करके एक दफ़ा हिला देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 50 अंडा है, तो ये आधी ट्रे में, ये छोटा अंडा ना, तो ये आधी ट्रे में तकरीबन 50 आ गया। तो बाकी आधी में चलो कहें खुला डुला करें तो 90 तक इसके अंदर ना टोटल अंडा आ सकता है। बस इनको एक दफ़ा इस तरह करके एक दफ़ा हाथ हिला देते हैं, 2-3 दफ़ा दिन में इनकी रोटेशन हो जाती है। ज़्यादा दोस्त नहीं करते ताकि कोई अंडा जो है ना वो एक दूसरे में बाज के क्रैक ना हो जाए। तो इसके अंदर टोटल 5 ट्रे लगती हैं, 1-2-3 यहाँ पे एक और लगती है, 4 और 1-5। बस वो निकाल ही गया, 10-1 लाख कोई अंडे रखेंगे ना तो वो ट्रे भी लगा देंगे। बेंटम के अंडे ये वाले परचेज़ किए थे, ये जितने अंडे हैं ये भी होम ब्रीड है सारी, ये अंडे ये भी होम ब्रीड है। ये इसके अंदर तो ये वाले रखे थे 13 को और ये वाली आज के रखे हैं 17 को ना। तो ये इसके अंदर मिस्त्री के भी हैं, 10 अंडे मिस्त्री के हैं और 15 अंडे ना इसके अंदर हॉस्टल लॉर्ड के हैं। ये सारी होम ब्रीड है, मेरे पास 4 फीमेल हैं हॉस्टल लॉर्ड की और वो उन्होंने 4 दिन में ना 15 अंडे दिए हैं, यानी कि फीमेल जो हैं रोज़ाना अंडे दे रही हैं मेरे पास। बस ये आज रखे हैं सारे, ये 25 अंडे हैं ये आज रखे हैं। अब इंशाल्लाह 4 दिन बाद फिर इतने हो जाएंगे, वो भी ला ला के रखी देंगे। और ये माशाल्लाह ये एग साइज़ भी जो है ना, ये 60 ग्राम का है, एग है ये 50+ ग्राम के, ये सारे अंडे हैं 50 ग्राम से 60 ग्राम तक के अंडे हैं। इसमें कुछ अंडे हैं जिस तरह ये वाला अंडा है ये 65 ग्राम प्लस है, ये वाले ना ये कुछ अंडे हैं तो हैवी वेट में आ गए मेरे पास। माशाल्लाह अच्छी उनकी एवरेज आ रही है, चूजे सारे निकल भी आते हैं मेरे पास। 95% जो है वो मेरे पास इनकी फर्टिलिटी है, बाकी जो है वो 5% कुछ ख़राब होते हैं, लेकिन माशाल्लाह मशीन के अंदर कोई ख़राबी नहीं है। बस ये जैसे इनको 18 दिन हो जाएंगे ना, फिर यहाँ से मैं ट्रे उठा के ऊपर वाले पोर्शन में रख दूँगा। ऊपर वाला पोर्शन खैर आजकल तो मैंने बंद किया होगा, वरना नीचे 18 दिन पड़े रहते हैं, फिर 21 दिन तक ना इनको ऊपर रख देते हैं, यानी कि 18 से 21 दिन, निकलने से 3 दिन पहले मैं इसको ऊपर रख देंगे ताकि वो हैच ऊपर होते हैं। बस ये इसका कुछ सिस्टम बनाया होगा। इस टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट 90 के करीब जो है ना वो इसके अंडे पड़े हुए हैं।